Hello everyone, welcome to Prakshi Classes. Today we are going to start with the concept of poisson distribution, which comes under the subject of business statistics. आपके business statistics में ये poisson distribution एक chapter है. Poisson distribution को समझने से पहले आप लोगों ने binomial distribution को अच्छे से समझ लिया हो, क्योंकि poisson distribution and the binomial distribution both are the part of a discrete probability distribution. These both are based on the discrete variable. So, poisson distribution as well as binomial distribution are a part of a probability distribution. तो poisson distribution में हम एक probability का formula use करते हैं और फिर हम उस event या उस experiment के होने का chance, that is probability, वो calculate करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो हमारा है फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन में आएगा कि आपको फिट करना है एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैसे फिटिंग करनी है आपको. ये जो कोर्स है ये बीकॉम एज वेल एज एमकॉम की क्लासेस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. एंड यू ऑल हैव टू लर्न विद प्राक्षी क्लासेस. एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट. आपका वैल्यूएबल फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टॉपिक्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए. ठीक है, तो आज पहले मैं आपको फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप्स लिखवाऊंगी. ठीक है, आपको जो मैं स्टेप्स एक्सप्लेन करती रहूंगी, आप साइड बाय साइड वो स्टेप्स लिखते जाइएगा, क्योंकि अगर आपको वो स्टेप्स याद रहेंगे तो आप आगे का क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे. और उसके बाद मैं आपको उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे लेके जाऊंगी जिसमें आपको वो स्टेप्स को अप्लाई करना है. हाँ जी, फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसमें हमें क्या क्या स्टेप्स याद रखने हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग करते वक्त. स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर वन में सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीन. और मीन को आप कैसे सिंबलाइज करते हैं, एम या एक्स बार. और मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब आपके पास एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है कंटिन्यूस सीरीज. हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की. क्यों? क्योंकि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्क्रीट वेरिएबल पे बेस्ड होता है, इसलिए जो हमारे पास सीरीज आएगी वो भी डिस्क्रीट सीरीज होगी. अब डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्स, ठीक है, और एक होता है फ्रीक्वेंसी. एक्स ऑलवेज डिनोट्स द वेरिएबल एंड वो वेरिएबल कितनी बार अकर हो रहा है इज डिनोटेड बाय फ्रीक्वेंसी. तो एक्स एंड एफ. तो अब आपने क्या करना है, आपके पास एक्स होगा, आपके पास एफ होगा, आपको क्या निकालना है, आपको एफ एक्स निकालना है. ठीक है, और एफ एक्स कैसे निकलेगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ. तो मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और एफ जो ऑलरेडी मुझे गिवन है उनका सिग्मा कर दूंगी. सिग्मा का मतलब होता है एडिशन. तो जब उनके सारे सिग्मा, जब उनके फ्रीक्वेंसीज को सारे ऐड कर दूंगी तो आई गॉट सिग्मा एफ. तो सिग्मा एफ एक्स को अगर मैं सिग्मा एफ से डिवाइड कर देती हूँ तो आई गॉट एक्स बार या आई गॉट एम, जिसे आप मीन बोलते हैं. इसको आप और तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. दैट मीन्स वी सिंबलाइज दैट कि जो एन होता है, कैपिटल एन, इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो स्टेप नंबर फर्स्ट यही है कि आपको मीन कैलकुलेट करना होता है. और आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि जो मीन होता है, जो एम होता है, वो ओनली पैरामीटर होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन. किसी भी चीज को उसका फीचर एक्सप्लेन कौन करता है, वो है एम. किसका फीचर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होगी कर्व की वो कैसा होगा, वो कौन डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है एम, जो उसको मीन बोलते हैं. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर स्टेप नंबर टू. स्टेप नंबर टू में क्या है कि जो आपने एम फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करा, अब उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू आपको निकालनी है. दैट इज आपको क्या कैलकुलेट करनी है, ई की पावर माइनस एम. अब कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको e की पावर माइनस एम ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी होगी, तो इसलिए आपको ऑब्टेन करनी है. और कहीं कहीं क्वेश्चन में e की पावर माइनस एम आपको कैलकुलेट करके नहीं दी होगी, तो उस केस में आपको कैलकुलेट करनी है. अगर आपके पास e की पावर माइनस एम नहीं दे रखी तो आपको कैलकुलेट करनी है. और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है, e की पावर माइनस एम इज इक्वल टू वन अपॉन में ए एल मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में क्या है, एम मल्टीप्लाई बाय 0.4343. अब ये ए एल का क्या मतलब होता है, ए एल का मतलब होता है एंटी लॉग, जस्ट ऑपोजिट ऑफ लोगारिथम. लोगारिथम को अगर आप सिंबलाइज करते हैं तो एल लिखते हैं, और अगर एंटी लॉग को सिंबलाइज करते हैं तो आप ए एल लिखते हैं. लॉग का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, एंटी लॉग. तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे e की पावर माइनस एम निकालनी है तो सबसे पहले मैं m निकालूंगी. इस m को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 0.4343 से, एक नंबर आएगा. उस नंबर का मैं पहले एंटी लॉग निकालूंगी और फिर 1 को उस नंबर से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, e की पावर माइनस एम का.
तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपके पास e की पावर माइनस m वैल्यू नहीं दे रखी क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 3 एंड द स्टेप नंबर 4। ओके, आवर स्टेप नंबर 3 इज कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। m निकालने के बाद, e की पावर माइनस m निकालने के बाद अब आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी, नंबर ऑफ सक्सेस की। ठीक है, अब आपके नंबर ऑफ सक्सेस कैसे होंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। एंड डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, इट इज अ होल नंबर नॉट इन अ फ्रैक्शनल नंबर। तो आपके पास x क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और मेनी मोर। अब आपको x की वैल्यूज यहां पुट करनी है और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, एक्स स्टैंड्स फॉर किसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, दिस स्मॉल एक्स इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम जो अभी हमने स्टेप नंबर 2 में निकाला, इनटू एम जो हमने स्टेप नंबर 1 में निकाला, पावर में एक्स और नीचे एक्स का फैक्टोरियल। अब ये जो फैक्टोरियल होता है, ये होता है फैक्टोरियल, ये जो फैक्टोरियल होता है, दिस फैक्टोरियल नीड्स टू बी ओपन्ड। अब आपको इसे ओपन करना होता है और ये ओपन होता कैसे, ये डिक्रीजिंग मैनर में ओपन होता है। जैसे अगर मैंने बोला 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 से आपको नीचे घटते हुए जाना है। 4 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 1, तो 4 into 3 into 2 into 1। मैंने बोला 5 का फैक्टोरियल, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 1 तक लास्ट काउंटिंग जाती है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। अब नाउ वी आर मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 में क्या है, आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कैपिटल एन। कैपिटल एन अभी मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, सिग्मा एफ होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेस। तो जो आपने थर्ड स्टेप में प्रोबेबिलिटी निकाली है उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल एन से, टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये आपका मेथड है टू फिट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें एक अल्टरनेटिव मेथड भी आता है। अब वो क्या है अल्टरनेटिव मेथड, ओके, अल्टरनेटिव मेथड फॉर द स्टेप नंबर 4। जो अभी हमने स्टेप नंबर 4 सीखा है उसको एक और तरीके से किया जा सकता है। फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टेप नंबर 1 है वो वही रहेगा, स्टेप नंबर 2 भी सेम रहेगा, स्टेप नंबर 3 भी सेम रहेगा, बट जो स्टेप नंबर 4 आपने सीखा है उसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, आंसर दोनों में सेम आएंगे। आप स्टेप नंबर 4 जो मैंने आपको सिखा दिया आप उससे करना चाहते हैं, आप उससे करिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकालना है। आप इस ऑल्टरनेटिव मेथड से निकालना चाहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। जिस भी मेथड में आप कन्वीनियंट हो आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को इस मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कौन सा मेथड है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम पहले लिखते कैसे, एफ ई सिंबल है इसका। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एफ ई। तो सबसे पहले मुझे एफ ई किसकी निकालनी है, फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो। जो मेरा सबसे पहला नंबर ऑफ सक्सेस होता है वो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि नंबर लाइन जो होती है वो होल नंबर से स्टार्ट होती है एंड जो पहला होल नंबर होता है इट इज जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसकी, एक्स नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू जीरो। वो कैसे निकलेगी, एन जो हमारा कैपिटल एन होता है मल्टीप्लाई बाय जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी स्टेप नंबर 3 में, तो एन को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसकी, फॉर द नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है जब एक्स वन है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है जब एक्स टू है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है जब एक्स थ्री है, ऐसे ऐसे आगे मूव ऑन करना है। ठीक है, अगर मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1 की निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, जो मैंने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली 0 की तो मैं यहां लिखूंगी, उसको मल्टीप्लाई करूंगी m से और डिवाइड कर दूंगी 1 से। जैसे ही मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है 2 की, तो पहले मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो मैंने 1 की निकाली वो लिखूंगी, इनटू m से मल्टीप्लाई करूंगी और 2 से डिवाइड कर दूंगी। अगर मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है 3 की, तो मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 2 की पहले लिखूंगी, इनटू m से मल्टीप्लाई करूंगी और 3 से डिवाइड कर दूंगी। अगर मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है 4 की, तो मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 3 की लिखूंगी, मल्टीप्लाई बाय m करूंगी और डिवाइडेड बाय 4। अब अगर मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है 5 की, तो बेटा मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी जो मैंने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली किसकी, 4 की, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे, m से, और डिवाइड किससे कर दूंगी, 5 से।
अगर मुझे ऐसे आगे आगे जाना है तो मेरे को ये करना पड़ेगा. तो चॉइस इज योर्स, यू अडॉप्ट द स्टेप नंबर 4 जो मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन करा, या यू एक्सप्लेन दिस स्टेप नंबर 4 बाय दिस मेथड. आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो भी मैं आपको सिखाती हूँ. ओके, द प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज विद अस. क्या क्वेश्चन है? बिलो आर गिवन द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ जजेस अकरिंग इन अ हाई कोर्ट. ये नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी हैं जो एक हाई कोर्ट में अकर हो रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 96 इयर्स. ठीक है, अगर मेरी नंबर ऑफ वैकेंसीज जीरोज हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 59. अगर मेरी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज वैकेंसी 1 है तो फ्रीक्वेंसी है 27. कितनी बार जीरो वैकेंसी आई वो है 59. कितनी बार वन वैकेंसी अकर हुई है इन 96 इयर्स में वो है 27 बार. कितनी बार नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 अकर हुई है उसकी कितनी बार है वो है 9 बार. और कितनी बार नंबर ऑफ वैकेंसी 3 अकर हुई है वो है फ्रीक्वेंसी 1. ठीक है, ये आपको डेटा गिवन है. आपको बोला है कि आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है और आपको मीन और वेरियंस कैलकुलेट करना है इस अबव डिस्ट्रीब्यूशन का. और आपको ई की पावर -0.5 0.60657 की वैल्यू गिवन है. ठीक है, यहां पर देखो ई की पावर -m 0.5 की वैल्यू गिवन है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. बट स्टिल मैं आपको टॉपिक क्लियर कराना चाहती थी इसलिए मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है. तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना है, अगर मुझे ई की पावर में वैल्यू गिवन है तो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है. पर अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन, तो हमें कैलकुलेट करना है. इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है, स्टिल मैंने कैलकुलेट किया बिकॉज मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि कैसे कैलकुलेट करनी है आपको. ठीक है, तो दस वी आर मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट. जीरो को मल्टीप्लाई किया 59 से तो इट इज 0. 1 को मल्टीप्लाई किया 27 से तो इट इज 27. 2 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो इट इज 18. एंड 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो इट इज 3. अब हमें क्या निकालना है, ये जो fx है इसका सिग्मा कर दो. 27 प्लस 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 48. तो ये क्या है, सिग्मा fx. फिर ये जितने भी f हैं इनका टोटल कर दो तो क्या मिलेगा, सिग्मा f. कितना आ रहा है, 96. हाँ जी, तो मीन क्या है, मीन इज इक्वल टू m. और m क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f. सिग्मा fx आपका 48 है और सिग्मा f आपका 96 है. तो 48 को 96 से डिवाइड किया तो इट इज 0.5. तो अब मुझे क्या पता चल गया, m अगर मेरा 0.5 है तो हमें क्या निकालनी है, e की पावर माइनस m. तो e की पावर माइनस m की जगह मैं क्या लिखूंगी, e की पावर माइनस 0.5. अब मुझे e की पावर माइनस 0.5 की वैल्यू निकालनी है फॉर्मूला को यूज करके. अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में मुझे e की पावर माइनस 0.5 ऑलरेडी वैल्यू गिवन है. बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमें कैसे कैलकुलेट करनी है. हाँ जी, तो e की पावर माइनस m का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1 अपॉन एंटी लॉग किसका ब्रैकेट में m इंटू 0.4343. एम की जगह उसकी वैल्यू पुट करी मैंने 0.5. 0.5 को 0.4343 से पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आई गॉट 0.21715. अब इस 0.21715 का मैं एंटी लॉग लूंगी. अब कुछ बच्चों को तो एंटी लॉग लेने आता होगा और कुछ को नहीं आता होगा, तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंटी लॉग की वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी कि एंटी लॉग कैसे निकालना होता है. ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियोस में जो लिंक होगा वो प्लीज देख लीजिएगा. उस लिंक पे क्लिक करके मेरी ही वीडियो ओपन हो जाएगी एंटी लॉग कैसे यूज करना है. ठीक है, ये आपको आना चाहिए क्योंकि जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें आपके बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें लॉगरिथम और एंटी लॉग्स यूज हो रहे हैं, तो आपको आना चाहिए. तो 0.21715 का अगर मैंने एंटी लॉग लिया तो इट इज 1.648. अब इस 1 को 1.648 से डिवाइड कर दो तो डिवाइड करने पे जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.6065. एक्चुअली में जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो ये 0.6067 आएगा. ठीक है, बट मैंने अभी बताया मुझे वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो मैं 0.6067 से अगर कैलकुलेशन पार्ट करूंगी तो आंसर्स में चेंजेस आएंगे. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 0.6065. बट अगर आपके पास वैल्यू ना गिवन हो और अगर आपकी वैल्यू जो आ रही है उसको वही वैल्यू लेके चलना. ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो ये पॉइंट है ये इसको ध्यान में रखते हुए आंसर करिएगा.
अगर जो वैल्यू आपकी आ रही है वो वैल्यू डिफरेंट है जो वैल्यू आपको गिवन है, तो प्लीज कंसिडर दैट गिवन वैल्यू ओनली. बट अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो यू कैन नॉट कंपेयर एनी वैल्यू कि ये वैल्यू ठीक है या वो वैल्यू ठीक है. इसलिए ज्यादातर e की पावर -0.5 मैंने बहुत बुक्स में चेक करा है, ये 0.6065 ही ले रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.6065 लिया है. बट कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इट इज कमिंग 0.6067, सो प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज. ओके, इसके बाद e की पावर -0.5 आ गया तो हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया. अब वी विल बी मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 3, एंड स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है. ओके, तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच सक्सेस. अब ये ईच सक्सेस कहां से मिलेंगे, जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो आपका एक्स वेरिएबल है वही आपका नंबर ऑफ सक्सेस होता है. तो नंबर ऑफ सक्सेस क्या है, जो हमारा एक्स वेरिएबल है, और क्या है हमारा एक्स वेरिएबल, नंबर ऑफ वैकेंसीज. तो आप वहां से कॉपी करेंगे 0, 1, 2 एंड 3. इसके बाद हर एक एक्स के वेरिएबल के लिए आपको उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी है. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे होते हैं तो e की पावर -m मल्टीप्लाई बाय m, m की पावर x और अपॉन में x का फैक्टोरियल. बेटा e की पावर -m हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, e की पावर -0.5 इज इक्वल टू 0.6065. m हमें पता है 0.5 है, x जो हमारा नंबर ऑफ सक्सेस है. e की पावर -m की जगह मैंने पुट किया e की पावर -0.5, m की जगह मैंने पुट किया 0.5, m के ऊपर पावर में क्या है x, x क्या है हमारे पास 0, तो 0 पुट किया और अपॉन में x का फैक्टोरियल, दैट इज 0 का फैक्टोरियल. किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो हमेशा याद रखना आंसर इज ऑलवेज 1, एंड 0 का फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ये चीज का ध्यान रखना. और e की पावर -0.5 क्या आंसर आ रहा है, 0.6065, तो आंसर इज 0.6065. ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकली. अभी मैं आपको प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम करा रही हूं, ठीक है. इसके बाद आगे बढ़िए, नेक्स्ट मीन्स नंबर ऑफ सक्सेस इज 1, तो यहां पर x की जगह मैं 1 पुट करूंगी. तो बेटा e का e, m का -0.5, m का 0.5, x की जगह 1 और x की जगह 1 का फैक्टोरियल. 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होती है वो नंबर ही आता है, तो 0.5. और e की पावर -0.5 ऑलरेडी हमें पता है 0.6065 है. 0.6065 को अगर मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज दिस. नेक्स्ट मैं नंबर ऑफ सक्सेस पुट करूंगी 2, x की जगह अब मैं 2 पुट करूंगी. तो e की पावर -0.5 ऐसे का ऐसे, m की जगह 0.5, m की पावर x में है तो x क्या है 2, तो 2 पुट किया और अपॉन में 2 का फैक्टोरियल. 2 के फैक्टोरियल को कैसे ओपन करेंगे, 2 into 1, दैट इज 2. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है. 0.5 की पावर 2 का मतलब होता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5. डोंट डू दिस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, नो, दिस इज स्क्वेयर पार्ट. तो स्क्वेयर मीन्स का मतलब होता है नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो इट वी गेट 0.076. अब हम x को पुट करेंगे 3, तो 3 पुट करेंगे तो e की पावर -0.5 इंटू 0.5 की पावर 3 और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल. अब 3 का फैक्टोरियल मीन्स 3 के बिलो जाना है, तो 3 फिर 2 फिर 1, तो 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 1 इज 6, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा है. 0.5 की पावर 3 है तो बेटा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो इट विल गिव मी 0.125. मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो आंसर इज दिस. ये मेरा स्टेप नंबर 3 क्लियर हुआ है, जहां पे मुझे क्या कैलकुलेट करनी थी, प्रोबेबिलिटीज. अब नाउ वी आर मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 4, जहां मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई बाय द प्रोबेबिलिटी. जो प्रोबेबिलिटी आपने स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट करी है उसको कैपिटल n से मल्टीप्लाई करो. इस क्वेश्चन में हमारा कैपिटल n क्या है, सिग्मा f. आप वापस से जाके देख सकते हैं, हमारा सिग्मा f ही हमारा कैपिटल n है, विच इज 96. तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी निकली जब मेरा जीरो नंबर ऑफ सक्सेस है, दैट इज 0.6065, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 96 से, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ रही है 58.22. अगर मेरा नंबर ऑफ सक्सेस 1 है तो मेरी उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 96 से, तो मेरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ रही है 29.112. जब मेरा नंबर ऑफ सक्सेस 2 है तो मेरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ रही है 0.076, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 96 से, तो आई गॉट 7.29. और जब मेरा नंबर ऑफ सक्सेस 3 है तो मेरी वैल्यू आ रही है प्रोबेबिलिटी की 0.0126, और अब मैं इसको 96 से मल्टीप्लाई करूंगी तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 1.21. तो दिस वी कंप्लीट्स विद द स्टेप नंबर 4, टोटल स्टेप नंबर 4, और अब ये हमारा फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है.
पर अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो क्वेश्चन में ये पूछा था फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेट द मीन एंड द वेरियंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिटिंग ऑफ पॉइजन तो कंप्लीट हो गया, बट आपको मीन और वेरियंस दोनों निकाल के दिखाने हैं। ऑलरेडी हम मीन निकाल चुके हैं जिसको हम एम बोलते हैं, और एम की वैल्यू 0.5 आ चुकी है, पर हमने वेरियंस नहीं निकाला है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो आपका मीन होता है और जो वेरियंस होता है दोनों ही सेम होते हैं, किस केस में? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो मीन होता है और जो वेरियंस होते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, एम स्टैंड फॉर मीन एंड वेरियंस स्टैंड फॉर आधा न का स्क्वेयर, दोनों ही इक्वल होते हैं तो क्या वैल्यू आई? 0.5, क्योंकि एम की वैल्यू 0.5 है। With this, I finished the topic of fitting of Poisson distribution. I hope आपको clear हुआ our topic. अगर कहीं पर भी आपको फिर भी doubt हो जाता है तो आप मुझे comment section में जरूर बताइएगा कि आपको इस topic में यहाँ पे point clear नहीं हुआ है. So thank you so much for watching this video and I hope ये video आपको बिल्कुल समझ आई हो और आपको पसंद भी आई हो, so that आप आगे अपने concepts को clear करें and प्राक्षी classes के channel को देखते रहिए। कोई भी ऐसा topic होता है जिसपे आपको video चाहिए, आपको नहीं समझ आ रहा पढ़ के, तो आप मुझे comment section में वो भी बता सकते हैं and I am ready to help you out for any problem। तो आप पर उसके लिए आपको मुझे आपका feedback जरूर देना पड़ेगा कि आपको कहाँ समझ नहीं आ रहा, क्या point clear नहीं हुआ, कहाँ पे डाउट है आपको, ठीक है? सो सब्सक्राइब माई चैनल प्राक्षी क्लासेस सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके एंड यू रिसीव द वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर गिविंग अ लाइक टू इट। सो थैंक यू।